एसीबी टीम धौलपुर ने आज बाड़ी कस्बे में कार्रवाई करते हुए स्वच्छता अभियान में बनाए गए शौचालय की राशि का भुगतान करने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दो संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पीड़ित से 2000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने एसीबी धौलपुर में मामले की शिकायत की थी। धौलपुर एसीबी के एएसपी के शर्मा ने बताया कि बाड़ी पंचायत समिति के सिंगोराई गांव निवासी हाकिम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह ने एसीबी में शिकायत की थी कि उनके घर पर दो शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिनकी राशि भुगतान के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया तो मामला सही पाया गया, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए 2000 की रिश्वत लेने के आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पेंद्र उर्फ बॉबी व डीआरजी सदस्य राहुल को गिरफ्तार किया है। मौके से रिश्वत की राशि भी एसीबी टीम ने बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को भरतपुर स्थित एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कि सिंगोरी गांव का है और इसने एसीबी ऑफिस में आके एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने गांव सिंगोरी पंचायत समिति बाड़ी में ही है, उसने खुद ने और उसके पिताजी ने अपने खर्चे पे दो शौचालय का निर्माण करवाया था स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत, और इसमें सरकार की ओर से जो पर शौचालय 12000 रुपये की अनुदान राशि मिलती है वो प्राप्त करने के लिए इसने पंचायत समिति बाड़ी में फार्म भर के आवेदन किया, तो वो अनुदान राशि दिलाने की एवज में यही पंचायत समिति बाड़ी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है पुष्पेंद्र उर्फ बॉबी, इसने उससे 2000 रुपये की राशि की डिमांड की, जिसका मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाए जाने पर आज 2000 रुपये की राशि लेते हुए पुष्पेंद्र ने वो 2000 रुपये की राशि लेकर अपने साथ ही पास में बैठा हुआ था सौरभ उर्फ राहुल उसको दे दी। इन दोनों को आगे हाथों गिरफ्तार किया है, कार्रवाई मामला भी जारी है। धौलपुर जिले वासियों के लिए खुशी एवं गौरवान्वित करने वाली खबर है। धौलपुर जिला देश के 117 आसान्वित जिलों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया है, जिस पर आज शाम को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर की। साथ ही जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों एवं आमजन को बधाई दी। जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आसान्वित जिलों की श्रेणी में देश के 117 जिले शामिल हैं, जिनमें राजस्थान के 5 हैं। इनमें हमारा धौलपुर जिला भी शामिल है, जो कि देश में मेडिकल एंड हेल्थ के मामले में पहले नंबर पर आया है, जो पूरे जिले वासियों के लिए खुशी का विषय है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमें लगातार पूरे मनोयोग से मेहनत करनी है, ताकि आगे भी हमारी श्रेणी बरकरार बनी रहे। धौलपुर जिला एक्सप्रेशनल जिले के में शामिल है। पूरे भारतवर्ष में 117 जिले हैं। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा स्वयं की जा रही है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ है, स्किल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कंपोनेंट वाइज और ओवरऑल रैंकिंग का निर्धारण होता है। और आपके बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि इस बार हम 111वें स्थान से पूरे देश में पहले स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग में आए, और मेडिकल हेल्थ में हम लोग पहले स्थान पर आए। इसके अलावा अन्य जो फील्ड्स हैं उसमें तुलनात्मक रूप से हमारी उपस्थिति कम रही है, पर हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमने मुकाम हासिल किया है, बेहतर प्रयास, बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम इस पोजीशन को आगे भी बरकरार रख सके। हमने जो प्रयास किए हैं अभी, उसमें हम ग्रास रूट लेवल तक गए। हमने प्रयास ये किया कि हम सीधा संवाद जो ग्रास रूट पर जो एजेंसी काम कर रही है उनके माध्यम से करें, और जो सुपरविजन के मध्यवर्ती स्तर हैं उनको भी एक्टिवेट करने का प्रयास किया। अभी तो हो ये रहा था कि जो इंटरमीडिएट जो बीच के जो लेवल थे सुपरविजन के, वो उतना मेहनत नहीं कर रहे, इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस इन दो के माध्यम से हमने इस पर काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर महीने के रिजल्ट्स जो सामने आएंगे उनमें भी हम अच्छा अर्जित करेंगे। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और बीमा, इन दो फील्ड में हमारी स्थिति कमजोर थी। अभी हमने सरानी खेड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें एक बहुत बड़ा वित्तीय साक्षरता और जो बीमा योजना है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। हमने ये अवगत कराया कि भाई हम आपके द्वार और चौपाल पर हैं, मकसद आपकी सहायता करना। और मुद्रा लोन जो है वो करीब 5000 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अगले 2-3 माह में देने का हमारा लक्ष्य है। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो यहाँ के जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक वित्तीय सुविधा उपलब्ध होगी, उनको कारोबार
में लेन देन और उसको बढ़ा पकड़ने का अवसर मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत बड़े आत्मसंतोष का विषय होगा। थैंक यू। राजस्थान के 5 जिले आसन्न जिलों में शामिल हैं, जिनमें से एक धौलपुर भी है। आज हर्ष का विषय है कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में टीम भावना से जिस तरह काम किया गया, उसका परिणाम आज मिला कि जिला धौलपुर भारत के 117 में से प्रथम पायदान पर रहा। इसका पूरा श्रेय, पूरी निर्देश माननीय जिला कलेक्टर के महोदय के रहे और उसके बाद टीम ने एक साथ काम किया। मैं निश्चित रूप से टीम मेडिकल धौलपुर को, सभी मेरे पत्रकार बंधुओं से जो अघोषित सपोर्ट करते रहते हैं हमेशा, और इस जिले में स्वास्थ्य सूचकों में जो इंडिकेटर्स थे केपीआई के, उनमें एक साथ बदलाव आया और 13% कुछ हम एक साथ इंक्रीज करके गए मेडिकल हेल्थ में। आगे ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम निरंतर इस प्रयास को जारी रखें, चूंकि ये निरंतरता का विषय है, प्रतिमा इसके बदलाव आते हैं, तो हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। माननीय कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन प्रॉपर मिल रहा है और इनकी बार बार प्रशंसा करेंगे कि जो रणनीति अपनाई गई, हम फील्ड में बैठे हुए ANM और आशा से संवाद किया, उससे जो लाभार्थी मिलना चाहिए, जिस महिला का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर एक छूटा तो क्यों, एक गर्भवती महिला के 4 ANC में एक कमी रहेगी तो क्यों, उसकी जांच हुई खून कम आया तो खून का इंतजाम हुआ नहीं हुआ तो क्यों, इन सवालों के तहत अपन चले और जिले में सब ने मिल के, सभी ANMC ने, आशा ने, मेडिकल ऑफिसर्स ने, टेक्निकल स्टाफ ने, सब ने सहयोग किया और उस सहयोग के साथ जिला इस लेवल पर आ पाया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, टीम धौलपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता पेशे की पवित्रता को धौलपुर में अपवित्र कर रहे हैं फर्जी पत्रकार। धौलपुर शहर में पिछले कुछ माह से फर्जी पत्रकारों का गिरोह सक्रिय है, जो लोगों से अवैध वसूली करके पत्रकारिता पेशे की पवित्रता को अपवित्र करने में लगा हुआ है। इस कारण वास्तविक पत्रकारों को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखने लग गए हैं। इस गिरोह की निगाहें दिन भर जिला कलेक्ट्रेट पर टिकी रहती हैं। ये यहाँ दिन भर मंडराते रहते हैं और जिले के ग्रामीण इलाकों से अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट आने वाले भोले भाले ग्रामीणों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे 100 से लेकर 500 रुपए तक की वसूली करते हैं। इससे पूरे पत्रकारिता पेशे की पवित्रता को दाग लग रहा है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को चिन्हित कर ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फर्जी पत्रकारों के इस ग्रोह का मुखिया भी है, जो छोटे मोटे समाचार पत्र में काम करता है। उसी ने पत्रकारों का यह फर्जी ग्रोह संचालित कर रखा है। कलेक्ट्रेट पर फर्जी पत्रकार दिन भर उगाई कर अपने आका को देते हैं और आका किसी छोटे मोटे अखबार में खबर छाप देता है। इसके बाद खबर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर संबंधित व्यक्ति को भेज देते हैं। हालांकि आम आदमी को इन खबरों से कोई लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यह खबरें उन अखबारों में छपती हैं जिन्हें अधिकारी नहीं पढ़ते और उनकी प्रतियां भी नाम मात्र के बराबर धौलपुर में आती हैं, जिससे पीड़ित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और पैसे भी बेकार में चले जाते हैं। इसके अलावा पत्रकारों के इस फर्जी ग्रोह के सदस्य शहर और आसपास के इलाकों में भी घूमते रहते हैं, जो अपनी पैनी निगाहों से लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के मामले ढूंढते हैं। यह ग्रुप इन मामलों से अपने आका को अवगत कराता है और आका ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग की यह राशि पूरे ग्रुप के सदस्यों में बट जाती है। आपका अपना धौलपुर जिले का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक सभी जिलेवासियों से अपील करता है कि कोई भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र या चैनल का रिपोर्टर खबरों के पैसे नहीं लेता है। खबरें निःशुल्क छापी जाती हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में तथा चैनलों में खबर प्रसारित अथवा प्रकाशित होने के बाद ही समस्या अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचती है, जिसके बाद समस्या का समाधान होता है। हम आम जन से अपील करते हैं कि जो पत्रकार आपसे खबरों के पैसे मांगे, समझ लो वह फर्जी है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और उन्हें रुपए नहीं दें, तुरंत पुलिस को सूचित करें। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देश में गुरुवार सुबह धौलपुर पुलिस ने जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया और जेल की तलाशी ली। निरीक्षण के दौरान CO सिटी देवी साय मीणा सहित कोतवाली सदर और नियालगंज थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जिला जेल में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पुलिस को एक मोबाइल, एक चार्जर और एक सिम भी मिली है, जिसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। दरअसल जेलों में कैदियों की तलाशी को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा की ओर से पुलिस उपाधीक्षक देवी साय मीणा के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जेल भेजी गई।
और जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा किए गए निरीक्षण में उपखंड अधिकारी आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। पुलिस की ओर से जेल की बैरकों के निरीक्षण में पुलिस को एक मोबाइल सिम और एक चार्जर भी मिला है, जिसको लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। वहीं उपखंड अधिकारी ने कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं और चिकित्सा सेवा को लेकर भी जानकारी जुटाई। अचानक भारी जाप्ता के जेल पहुंचने से कैदियों में हड़कंप मच गया। आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। एसडीएम साहब, मैं और सभी एसएसओ हैं, तो सारी बैरिक को बारीकी से चेक किए। कोई विशेष आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। एक मोबाइल चार्जर है, एक सिम है और एक मोबाइल है, लेकिन जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से। क्या निरीक्षण में क्या मिला, क्या नहीं जाओ रिकॉर्ड? निरीक्षण में आमतौर पर व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं और साफ सफाई थी जेल में। सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण निमानसर हो रहा था और हमने जो जेल की सामान्य व्यवस्थाएं उनका निरीक्षण किया, आमतौर पर ठीक पाई गई है। कोई विशेष बात होगी तो हम अपने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को। सेकंड सर, क्या आपत्तिजनक मोबाइल चार्जर? जिन बैरकों का हमने चेक किया था उन बैरकों में ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाई गई थी। सीओ साहब के बैरक में कोई पाई गई होगी तो उसके बारे में वो अधिकृत हैं उसके बयान देने के लिए, लेकिन जिन बैरकों में हमने चेक किया वहाँ व्यवस्थाएं आमतौर पर ठीक। बाड़ी थाना परिसर में आज शाम को सीएलजी सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें बाड़ी एसडीएम ब्रजेश मंगल, बाड़ी डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह डागोर, तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल व बाड़ी थाना अधिकारी अजय सिंह मीणा उपस्थित रहे। मीटिंग में सबसे पहले तो बाड़ी एसडीएम ब्रजेश मंगल द्वारा सीएलजी सदस्यों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई और शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और हर तरह की सूचनाओं से प्रशासन को अवगत कराने को कहा। बाड़ी डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह ने एक सप्ताह में आने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सभी समाजों से स्वीकार कर फैसले का स्वागत करने की अपील की गई। साथ ही अफवाह पर ध्यान न देने व व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनों से अपील की गई कि वह ग्रुपों को सिर्फ एडमिन मोड पर रखें, जिससे अफवाह न फैले, अन्यथा अपराध के भागीदार ग्रुप एडमिन भी होंगे, और सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही सीएलजी सदस्यों द्वारा बाड़ी थाना अधिकारी अजय सिंह मीणा की कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए 5 दिवसीय दीपावली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और पिछली सीएलजी मीटिंग में उठी समस्याओं के हल करने को लेकर धन्यवाद दिया। थाना अधिकारी अजय सिंह मीणा ने इसका श्रेय जनता को दिया और कहा, आप लोगों व जनता के सहयोग के बिना पुलिस किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए सभी व्यवस्थाएं जनता द्वारा और आप लोगों के सहयोग से ही बन रही हैं। मीटिंग में वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट मुन्नालाल मंगल, पूर्व सीबीओ सुरेंद्र सिंह परमार, अपना घर सेवा समिति के मीडिया प्रमुख विष्णु बहेरे, प्रधानाचार्य रशीद खान, वरिष्ठ अध्यापक राजेश मुद्गल, अहमद जमा खां, जवान सिंह मीणा, बीरेंद्र दीक्षित, अनिल आईटीआई, विद्याराम पारासर, जगदीश जगरिया, राकेश दीक्षित, आशुतोष शर्मा, इसरार ट्रेलर उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद सहित सहायक उप निरीक्षक व काफी सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। कि अभी देव उठते 11 शुरू हो रही है, शादियों का सीजन होगा, उस समय भी सब सतर्कता रहें, आपराधिक तत्वों से बचें, चोरी नकबजनी के गैंग या उसके पॉकेटमारी वाले घूमते रहते हैं या कोई शादी के टाइम में बैग उठाने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं, उस पर भी सावधान रहें। आपके द्वारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप के लिए विशेष एडमिन के लिए बिल्कुल इसमें भी जैसे एक मेन इशू चल रहा है देश के अंदर कि जजमेंट आने वाला है, तो उस आधार पर कि दोनों ही समुदाय अपना अपना सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। कोई भी दुष्प्रचार कर सकता है, उस दुष्प्रचार को पहले हमसे वेरीफाई कर लें। कोई एडमिन होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप का, वो कोई ऐसी गलत खबरें प्रसारित नहीं करें, न उसके मेंबर्स करें, ये समझाने के लिए और सद्भाव बनाए रखने के लिए सतर्कता। इसके बाद भी कोई बैड एलिमेंट्स कोई हरकत देता है उसके लिए क्या सख्त कार्रवाई रहेगी? सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जो 7 से 17 तक सद्भाव रखने के लिए जो बाड़ी की जनता के लिए अपील की जाती है कि आप जो जजमेंट आने की उम्मीद है उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए समस्त समाज अपना सामंजस्य बनाए रखें, अपना धैर्य बनाए रखें, किसी प्रकार की भ्रमित होने की कोशिश ना करें। कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों पर कई तरह की भ्रांतियों के कारण पब्लिक परेशान होती है, उसका खामियाना अन्य व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। तो मेरा एडमिन्स से निवेदन है कि एडमिन्स
इस बात पर ध्यान दें एवं ग्रुप पर कोई चीज़ गलत मैसेज आए तो उसको आगे निभने दें और कोई भी ग्रुप एडमिन इस बात का दुष्प्रचार ना करे एवं ग्रुप एडमिन उस बात का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अफवाह को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करें जिससे हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण जैसा बाड़ी में पहले से है वो किसी प्रकार की भ्रांति पैदा नहीं हो, पब्लिक में जो पहले से सौहार्द बना हुआ है वो बना रहे। हिंदू मुस्लिम आपसी सौहार्द की प्रतीक रही है। यहाँ के मुसलमान अच्छी मूर्ति बना करके मंदिरों का निर्माण करते हैं, वहाँ के हिंदू इस्लामी स्कूलों का मदरसों का भी निर्माण करते हैं। यहाँ के बतासे गजक तमाम तरह की मिश्री और रेवड़ियाँ मंदिरों मस्जिदों में चढ़ाई जाती हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत ही सौहार्द वातावरण करती हैं। जो भी निर्णय आएगा अयोध्या मसले पर वो सबको मान्य होगा, चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए। हिंदू सर्वा सबको हार्दिक शुभकामना के लिए सबको। सी एल जी मीटिंग में आज शांति सद्भाव के लिए सी ओ साहब और सम्मानीय एस डी एम साहब कोतवाल साहब बाड़ी द्वारा सभी सी एल जी सदस्यों को ये निवेदन किया गया कि अभी जो फैसला आने वाला है उसमें जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखें और सद्भावना बनाए रखें। समाज में किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी दिखे उसको शासन और प्रशासन को बताएं। कोलारी थाना क्षेत्र में कोलुआ के पास पार्वती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पाकर कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पानी में तैर रहे शव को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला। वह शव को बसईनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया। शव में से दुर्गंध आ रही है जिसको लेकर डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया है कि शव 2-3 दिन पुराना है। अभी तक मृतक की शनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। कोलारी थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह जरिए दोस्तों सूचना मिली थी पार्वती नदी में ग्राम कोलवा के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचा, जहां पार्वती नदी से डेड बॉडी को निकालकर प्राइवेट वाहन के द्वारा सरकारी अस्पताल बसीनवाब में रखाया गया। उसकी पहचान करवाई जा रही है, अज्ञात डेड बॉडी है, उसकी पहचान कराई जा रही है। बसईनवाब कस्बा में गुरुवार दोपहर बाद को अचानक ट्रैक्टरों में बजरी भरकर ले जा रहे माफिया तथा पुलिस का आमना सामना हो गया। अवैध चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहे ट्रैक्टर चालकों में पुलिस की गाड़ी को देख हड़कंप मच गया। पुलिस की गाड़ी को देख बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर भागने लगे। तभी तेज रफ्तार में भागते समय एक ट्रैक्टर बेकाबू हो गया, जो कि बिजली घर के पास मनिया मार्ग पर चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई तथा अन्य 2 ट्रैक्टरों को चालक भगाने लगे, तो एक ट्रैक्टर चालक अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देख ट्रैक्टर को छोड़ मौके से फरार हो गया। वहीं एक ट्रैक्टर को चालक भगाकर ले जाने में सफल रहा। तभी पुलिस ने मौके से दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। दरअसल मामला बसईनवाब कस्बे में मनिया मार्ग स्थित GSS के ठीक पास का है। जैसे ही पुलिस बसईनवाब CST से नदी में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव को मोर्चरी पर रखकर वापस थाने लौट रही थी, तभी बसईनवाब से निकलते ही GSS के पास चंबल बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे, जिनका सामना पुलिस से हो गया। इतने में ही पुलिस की गाड़ी को देख चंबल बजरी को ट्रैक्टरों में भर अवैध परिवहन कर ले जा रहे माफियाओं में हड़कंप मच गया और वह पुलिस को देख भागने लगे, जिसमें चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई तथा एक ट्रैक्टर बजरी को सड़क पर खाली कर भागते समय पुलिस से घिरा हुआ देख छोड़कर भाग गया। कोलारी पुलिस दोनों ट्रैक्टरों को अपने साथ थाने ले आई। जश्ने ईद मिलादुन्नबी के सदर माजिद शरीफी एवं शहर काजी मोहम्मद मतीन खान गोरी ने एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की, जिसमें जश्ने ईद मिलादुन्नबी के सदर माजिद शरीफी ने बताया कि 8 नवंबर को सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण, 10 नवंबर को जश्ने ईद मिलादुन्नबी जुलूस पुराना शहर गंज से सुबह 8 बजे से शुरू होकर हॉस्पिटल रोड, जगन चौराया, सराय गजरा रोड, पुराना डाकखाना, बजरिया, पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान तराया, मोती तराया, तलैया, पटवारा रोड होते हुए बड़े पीर से पुराना शहर पर समापन होगा। 16 नवंबर को कौमी एकता बाइक रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकाली जाएगी। 17 नवंबर को इस्लामिक तकरीरी प्रोग्राम बाड़ा पीर कोटला पर आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में निजामुद्दीन पहलवान, शकील खान प्रदेश सचिव, मुस्लिम महासभा, जहीर अब्बासी, अरशद खान आदि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। भारतीय काजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत के सारी काजी साहिबान, उलमाए दीन और जहाँ पे मैं निवास करता हूँ धौलपुर की सरजमी पर, वहाँ के सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद राम मंदिर का आएगा उसकी आप कदर करें और एक यात्री का पैगाम दें और हर धर्म की कदर करना सीखें। शुक्रिया।
जश्न ईद मिलाद उन नबी का इस वर्ष का जो प्रोग्राम है वो 8 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक रहेगा। इसमें 8 नवंबर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को पुराना शहर गंज से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शुरू होकर और पुराना शहर में ही ख़त्म होगा। इसके बाद 16 नवंबर को एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकता बाइक रैली आयोजित की जाएगी और 17 नवंबर को बड़ा पीर पुराना शहर पर ही इस्लामिक तकरीरी प्रोग्राम का आयोजन रात्रि में किया जाएगा। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों और धौलपुर जिले वासियों से आग्रह करता हूँ, मेरी गुजारिश है कि इन सभी जो ये प्रोग्राम आयोजित होने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। शुक्रिया। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर, डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000225033, 9165741677। जिले के मलिकपुर गांव के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मलिकपुर में अंग्रेजी विषय की अध्यापिका ब्रज तिवारी का डेपुटेशन निरस्त कर मूल पदस्थापन पर भेजने की मांग की गई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया है कि हमारे गाँव के स्कूल की अध्यापिका ब्रज तिवारी पिछले 7 महीने से स्कूल नहीं आ रही है, क्योंकि इनको डेपुटेशन पर महाराणा स्कूल में लगा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार ने डेपुटेशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। फिर भी नियम विरुद्ध ब्रज तिवारी अध्यापिका को महाराणा स्कूल में डेपुटेशन पर लगा दिया है, जिससे हमारे गांव के स्कूल में छात्रों की अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसे लेकर विगत 4 दिन से स्कूल के सारे बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर रखा है। 4 दिन से स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए शीघ्र ही अध्यापिका तिवारी का डेपुटेशन निरस्त कर उन्हें वापस मूल पदस्थापन मलिकपुर गाँव के स्कूल में भेजा जाए। ज्ञापन देने वालों में नवल लोदा, रामवीर त्यागी, बहादुर सिंह, मान सिंह लोदा, लाल सिंह, हरगोविंद, मलखान, मुरारी, भीकम आदि ग्रामीण शामिल रहे। आज यहाँ पे मलिकपुर गांव के लोग उपस्थित हुए और ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आज अपनी समस्या बता रहे हैं। मलिकपुर विद्यालय में एक ब्रज तिवारी करके कोई अध्यापिका है अंग्रेजी की, वो उनको डेपुटेशन पे शिक्षा विभाग ने महाराणा स्कूल में लगा दिया है, जबकि मलिकपुर गांव में कोई भी अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है। पूरे गांव की ये मांग है कि कैसे भी करके अंग्रेजी की अध्यापक की व्यवस्था की जाए, नहीं तो सारे गांव के बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। और ये गांव के लोगों की मांग भी है कि अगर हमारे विद्यालय में अध्यापिका या कोई भी अध्यापक अंग्रेजी का नहीं लगाया गया तो ये बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, 4 दिन से स्कूल बंद है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर अध्यापक अंग्रेजी का लगाया जाए, जिससे आम लोगों की समस्याओं और बच्चों की भविष्य खिलवाड़ ना हो सके। नाम क्या आपका? मेरा नाम नवल लोदा है, मैं लोदा समाज का प्रदेश अध्यक्ष। मान सिंह मेरा नाम सर। समस्या ये है कि मतलब ब्रज तिवारी 2 वर्ष थे जब सर में पहुँचा, ये 81 जैसे मतलब 4/8/4/10/2019 को ऐसे धोखा के शिकायत करता हूँ। कलेक्टर साहब के पास मतलब 21/8/2019 को कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन आ गया हूँ। विद्यालय राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय मलिकपुर जो ब्रज तिवारी वहाँ पर अंग्रेजी की मूल अध्यापिका है, उनको तुरंत लाभ से प्रवास करने की। बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई धौलपुर व प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वाधान में अचलेश्वर महादेव मंदिर पर आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के समस्त गणमान्य आचार्य लोग आमंत्रित किए गए, जिसमें सभी आचार्यों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से समझाया गया, जिसमें बाल विवाह कराने वालों को 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही समस्त आचार्यों को शपथ दिलाई गई कि भविष्य में कभी भी बाल विवाह नहीं कराएंगे, अगर कहीं बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन व 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन में देंगे। बैठक में बाल अधिकारिता विभाग के ORW योगेश शर्मा, सोशल वर्कर भरत सिंह,
प्रयत्न संस्था से एडवोकेसी ऑफिसर आरिफ हुसैन, मनोज शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन से सागर राणा, लोकेश आचार्य, राकेश शास्त्री, दिनेश शास्त्री, विद्याराम शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। मैं योगेश आचार्य, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से, आज हमने अचलेश्वर मंदिर पर एक आयोजन रखा हुआ था, जिसमें धौलपुर जिले व अन्य जिले के अन्य प्रांतों के भी लोग ब्राह्मण आचार्यों को बुलाया गया था और उनसे सभी से हमने आग्रह किया और उन सभी ब्राह्मणों को हमने शपथ दिलाई है कि वह समस्त ब्राह्मण अपने संज्ञान में कोई भी बाल विवाह नहीं कराएंगे और सभी समस्त यहाँ आए हुए समय समस्त उपस्थित ब्राह्मणों ने शपथ ग्रहण की है कि वो ना तो बाल विवाह कराएंगे, अगर उनकी संज्ञान में कहीं बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना तुरंत ही प्रशासन को देंगे। धन्यवाद। महाराज बाग सर्किल चौराहे से 30 फुट अंदर संतरास पाड़े को जाने वाले रास्ते पर मशहूर विद्या पंडित जी की दुकान, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित सोन पपड़ी, काजू कतली, मैसूर, इमरती, खुरमी, गुलाब जामुन, काला जाम, मूंग की बर्फी, मगध के लड्डू सहित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं और शुद्ध सरसों के तेल से बनी नमकीन और नाश्ता भी मिलता है। श्री कमलेश्वर मिष्ठान भंडार पर रोजाना शाम 5 बजे से देसी घी से बनी गर्मा गर्म इमरती भी मिलती है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इस दीपावली पर श्री कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयां खरीदकर लाने के लिए हमारे सभी ग्राहकों को धन्यवाद। नोट: हमारी दुकान का स्थानांतरण वर्तमान दुकान के बगल में 30 फुट अंदर की तरफ हो गया है। प्रोपराइटर विद्या प्रकाश पारासर, विद्या पंडित जी, मोबाइल नंबर 9352589186, राजेश पारासर, मोबाइल नंबर 9351944850। धौलपुर तहसील में DLC की 70% बढ़ाई रेटों के विरोध में आज एक बार फिर लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया, साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री का बहिष्कार किया। इस कारण दिन भर में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। धरना दे रहे शहर के लोगों ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन जिला कलेक्टर नेहागिरी द्वारा DLC रेट 70% तक बढ़ाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आदेश में कुछ दिन बाद 70% बढ़ी हुई दरों में त्रुटि मानते हुए पुनः समीक्षा करने के आदेश जारी कर पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री शुरू करवा दी थी, लेकिन 30 अक्टूबर को हुई मीटिंग में वही दरें फिर से लागू कर दी गई हैं। इस कारण आम जनता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और वह शहर में भूखंड खरीदने में असमर्थ रहेंगे। वैसे ही सारे व्यवसाय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान ग्रीसगर, पूरन चंद बोहरा, जयसिंह राणा, मुकेश सक्सेना, कमलजीत सिंह, प्रिंस हुंडावाल, राजकुमार शर्मा, शिवराज सिंह, बबलू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। नंदपुरा गांव निवासी एक महिला 2 दिन पूर्व बसैनवाव कस्बे में स्थित पुलिस चौकी के समीप चलती बाइक से गिरकर घायल हुई थी, जिसकी आज आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नंदपुरा गांव निवासी महिला बतसिया पत्नी मोहन सिंह लोधा मंगलवार की शाम को अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के खेलागढ़ से कुछ खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दरमियान पुलिस चौकी के समीप बसैनवाव कस्बे में प्रवेश करते ही बाइक पर बैठी महिला के हाथ से कपड़ों से भरा बैग गिर जाने से वह संतुलन खो बैठी और बाइक से सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी आज इलाज के दौरान आगरा में मौत हो गई। महिला का शव घर पहुंचते ही लोगों में कोहराम मच गया। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।